हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। रात के बज रहे हैं 10:30 और आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। यमी यमी डिनर करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे भाई मैं खिला नहीं सकती हूँ, एड्रेस ज़रूर दे सकती हूँ, लखनऊ वाले वहाँ जाकर ज़रूर खा सकते हैं। तो मैं एड्रेस बता दूँगी मगर इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आपको फॉलो करना पड़ेगा। कल से हम जो है बना रहे हैं पार्टी, और आज भी पार्टी की बहुत अच्छी वजह है, वो किसी दिन और बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। तो चलिए आपको पहले दिखा देती हूँ क्या है डिनर में। ये है हमारा डिनर और आप देख सकते हो ये सब मैंने मंगवाया है। चलिए आप सबको दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है। ये है मलाई टिक्का पनीर, और थोड़ी सी ग्रेवी वाला मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे सूखा सूखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। थोड़ी सी ग्रेवी जब तक ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता, माउथ में मेल्ट हो जाता है। बहुत टेस्टी है, बहुत यमी था वाकई में। और ये है हमारी अनियन, और साथ में मैंने मंगवाई थी पनीर राजस्थानी। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मगर टेस्टी थी, यमी थी। और साथ में हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं सर्व करने के लिए। साथ में थे नान, बटर नान, बहुत ही टेस्टी यमी खाना। तो इतना टेस्टी खाना है, चलिए खाते हैं और टेस्ट करते हैं। तुम्हें नहीं समझ में आई, किसी को मलाई टिक्का समझ में नहीं आया ना। हम लोग तो चटोरी जवान हैं। बहुत ही माइल्ड सा है, क्रीम बहुत है। और मैंने मंगवाई थी क्या, राजस्थानी पनीर, ये भी बहुत टेस्टी है। पर बस राजस्थानी बनी जाए। तो ये आई थी मिठाई, तो प्रसाद चढ़ाया गया है। तो हमारा डिनर हो चुका है और मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने। ये है, पहले मुझे मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल नहीं पसंद थे, अब पता नहीं क्यों पसंद आने लगे हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है और तेजस में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। नहीं करो, डिनर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। उसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? हमें क्या, हमें और सारे बुला कर आज का मेन्यू इन लोग को पसंद नहीं आया। मैंने जो है पनीर राजस्थानी मंगवाई थी, मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है। अच्छा, बस मोमोज नहीं आ रही। रिमोट कहाँ? क्या था आज? ये रिमोट रखा है आज मेरा पूरा एकदम। तो इन लोग को बिल्कुल नहीं पसंद आया और मुझे पसंद आई। ये था ठीक ठाक थी, मुझे इतना भी ख़राब नहीं लगा जितना इन लोगों को ख़राब लगा। ठीक ठाक थी, खाई जा सकती थी। मैंने सोचा कि नया फ्लेवर, नई चीज़ टेस्ट करते तभी पता चलेगा। आप ही मंगवाया गया था। आज मेन्यू मैंने डिसाइड किया था, हर बार कभी तेजस या तेजस के डैडी, ये दोनों डिसाइड, तेजस ही डिसाइड करते थे। आज मैंने मंगवाया है। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैं शूट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चाय। इस समय 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे से हमारे घर में काम लग गया है। यहाँ पर जो है काम वाले जो भैया आए हैं टाइल्स लगाने, वो आ गए हैं और उन सब के लिए मैं चाय निकाल रही हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं दो ही लोगों के लिए चाय निकाल रही हूँ क्योंकि दो ही लोग आए हैं। अभी और लोग आएंगे तो वो भी काम करेंगे, तब उनके लिए भी मैं चाय बनाऊंगी। और आपको यकीन नहीं होगा कि आज मैं थोड़ा से लेट उठी हूँ 6:00 बजे, और 6:30 बजे वो लोग आ गए। मेरा सारा काम यूँ ही पड़ा हुआ है घर में, मैं कैसे करूँगी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फटाफट मैंने चाय जाकर उन लोगों को दे दी है और मैं भी चाय पीऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि चाय पीने का टाइम जो होता है बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है।
इसमें मेरे बहुत सारे थॉट्स होते हैं, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सबकी बातें पढ़ती हूँ, तब जाकर कहीं मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो काम मेरे घर में स्टार्ट है, तो आप बैकग्राउंड में नॉइस समझ सकते हो उसकी। तो फटाफट मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने सबको ब्रेकफास्ट दे दिया था। ब्रेकफास्ट भी मैंने इंस्टेंट ही दिया, आजकल ब्रेकफास्ट इंस्टेंट वाला हो रहा है, ब्रेड बटर, बिस्किट, दाल मोठ, इस टाइप के नाश्ते हो रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि प्रॉपर नाश्ता मैं नहीं बना पा रही हूँ, कभी मुझे चाय बनानी पड़ती, कभी कुछ काम करना पड़ता, इन सब चक्करों में मेरा कुछ भी नहीं होता था हो पाता है। मगर हाँ, लंच मैं कोशिश करती हूँ लंच और डिनर प्रॉपर करवाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट मैंने यहाँ पर लंच की तैयारी करना शुरू कर दिया है, और मैं आज सिंपल सी एक सब्जी बना रही हूँ, उसको अपने तरीके से मैंने तड़का दिया है, और चलिए आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने अनियन, टमाटो और काजू और हरा मिर्चा डाल दिया है, और हल्का से इसे जो है टमाटर को गलाने तक के पकाऊंगी, हल्का मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, मैंने लहसुन और अदरक बिल्कुल भी नहीं छिली है, क्योंकि मैंने कहा कि टाइम मेरे पास था नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने थे घर के, तो फटाफट मैंने अदरक लहसुन का टाइम जो है पेस्ट डाल दिया है, और 2 मिनट तक के मैं यूँ ही पकाऊँगी, और उसके बाद ठंडा होने के लिए इसको रख दूंगी और इसको ट्रांसफ़र कर लूंगी दूसरे बर्तन में, और दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लूंगी। ये तेल जो बचा है उसको बहुत संभाल के रखूंगी, क्योंकि अभी मुझे सब्जी पूरी कंटिन्यू करनी है। ये है हमारे मसाले, बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, कश्मीरी मिर्च और नमक। यहाँ पर मैंने उसी ऑयल में जो है तेज़पत्ता डाल दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने डाला है लौंग, 3 से 4 लौंग ली हैं। उसके बाद मैंने जो है ये जो मसाला था बेसिक वाला मसाला वो डाल दिया है, और इसको पकने तक, यानी मसाला जब तक हमारा पक जाएगा तभी हम दूसरा स्टेप करेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला लगभग लगभग पक गया है, तेल इसने छोड़ दिया। तो जो मैंने लहसुन प्याज वाला पेस्ट था वो था, उसको मैंने पीस लिया एकदम बारीक, और ये जो ग्रेवी है मैं इसमें डाल दूंगी, मसाला पूरी तरह से डाल दूंगी, और आप वाकई में यकीन करो, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी थी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें आलू डालो, या आप इसमें कोफ्ते डालो, या आप इसमें पनीर डालो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ग्रेवी हमारी पक गई थी, क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई थी। इसमें मैंने न्यूट्री नगेट डाल रखे हैं, यानी सोयाबीन की बरी, क्योंकि मेरे घर में ना पनीर थी ना ही आलू था, जो था उससे काम चला लिया, इसीलिए मैंने आज सोचा कि इस तरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, हमारी सब्ज़ी पक गई है, और ग्रेवी आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको लिक्विड ही रखो या ऐसे रखो जैसे मैंने रखी है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से बस 2 भाप हमें देनी है, पक गई है, हरी धनिया डाल देंगे, हमारी पूरी सब्जी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर मैंने आटे के ही नान बनाए हैं, और सिंपल तरीका सा था, जैसे नॉर्मल नान बनाते हैं सेम वैसे ही मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने कहा कि इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नान बना लेते हैं आटे के, मैदा नहीं था घर में। तो बस अब जाकर मुझे टाइम मिला है आप सबसे बातें करने का, वैसे तो इस समय शाम के बज रहे हैं 7:30 और हमारी चाय हो चुकी, और लंच में मैंने क्या बनाया था वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, इस तरह से आप बना सकते हो घर में कभी कदा टेस्ट चेंज करने का मन हो तो। और मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि कल मैंने बाहर से खाना क्यों मंगवाया था, उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि तेजस के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा से चेंज करने के लिए इनको पार्टी दे देते हैं, थोड़ा से अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा स्कूल जाने से पहले। दूसरा रीज़न ये है कि मेरा तबीयत नहीं सही थी,
तो मैंने कहा कि चलो बाहर से मंगवा लेते हैं, तो दोनों रीज़न हो जाएंगे। तो ज़्यादातर तो यही रीज़न था कि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से मैंने बाहर से डिनर मंगवाया था। तो इधर बैठे हैं तेजस, ये देखिए, आज आपको बताऊं, आज मेरा काम हो रहा है आंगन में, बहुत छोटी सी आंगन है तो वहाँ काम हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। एडजस्ट तो करना पड़ता है ना, जब हम लोग किसी सफ़र में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तब भी हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो इस समय भी एडजस्ट ही करना पड़ेगा। तो अब जो है, अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, और दिन की सब्जी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ वही चला लूँगी। और मेरे दांतों में पेन हो रही है, देखिए काम शुरू हो गया, अभी तक तो हो रहा है काम। यहाँ पर मैं डिनर निकाल रही हूँ। अगर आपको मेरी दिन वाली सब्जी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।